फ्रेंड्स, माय नेम इज सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू द टेक न्यूज एपिसोड 60। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली न्यूज से। पहली न्यूज ये वीवो की तरफ से, दोस्तों वीवो के एक नए स्मार्टफोन की लीक आ चुकी है। टेना के ऊपर ये ऑफिशियली लिस्टेड हो चुका है और इस मॉडल का नाम है वीवो 1903A/T। अजीब सा नाम है, लेकिन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, लीक के हिसाब से एक मिड रेंज स्मार्टफोन होने वाला है वीवो का, जिसके अंदर आपको मिलेगी 6.3 इंच की एक डिस्प्ले और 4880 mAh की एक बैटरी। अब देखते हैं वीवो का स्मार्टफोन कब लॉन्च होता है और कैसा होता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज आ रही है गूगल असिस्टेंट को लेके, यानी कि जितने भी असिस्टेंट हैं लाइक अलेक्सा, सीरी, इनके बीच में कंपटीशन हुआ था और ये चेक किया गया था कि कौन सा असिस्टेंट ज़्यादा स्मार्ट है। तो अलेक्सा, सीरी और गूगल असिस्टेंट के बीच में कॉम्पिटिशन हुआ था, जिसके अंदर गूगल असिस्टेंट दोनों को बीट करते हुए आगे निकल गया। लगभग कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे कि कितने करेक्ट आंसर कौन सा असिस्टेंट दे पाता है, तो 83% करेक्ट आंसर दिया सीरी ने, 80% आंसर सही दिया अलेक्सा ने और 93% करेक्ट आंसर दिया गूगल असिस्टेंट ने। यानी कि गूगल असिस्टेंट आज के समय में सबसे बेटर ये जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो हो चुका है। दोस्तों बढ़ते हैं अंग्रेजी की तरफ। अगली जा रही है अमेजोन की तरफ से। दोस्तों अमेजोन जोमेटो और स्विगी को बीट करना चाहती है और इसीलिए उन्होंने क्या किया है, एक फूड डिलीवरी सर्विस स्टार्ट करने वाली है अमेजोन खुद की, और उन्होंने पार्टनरशिप की है फूड पांडा और उबर ईट्स के साथ में। उबर ईट जो कि फूड डिलीवरी सर्विस है, इसी तरीके से फूड पांडा फूड डिलीवरी सर्विस है। तो अभी करंट टाइम में जोमेटो स्विगी टॉप पे चल रहे हैं, तो इन्हीं को बीट करने के लिए अमेजोन भी खुद की फूड डिलीवरी सर्विस जल्द लॉन्च करने वाली है। दोस्तों यहाँ पे सामने एक और न्यूज़ निकल के आती है नोकिया की तरफ से। दोस्तों नोकिया का एक फीचर फोन जल्द आने वाला है और उसका नाम है नोकिया 2720। हालांकि ये पुराना मॉडल है, लेकिन इसका ये 4G वेरिएंट आएगा। अब ये कब आएगा ये देखना बाकी है, लेकिन ये फीचर फोन होगा 2720, एक बटन वाला स्मार्टफोन तो नहीं, फीचर फोन होगा और जो कि 4G होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। दोस्तों अगली न्यूज आ रही है टाटा स्काई को लेकर। दोस्तों टाटा स्काई की एक नई सर्विस स्टार्ट की है, वो सर्विस है व्हाट्सएप यूजर्स के लिए। ऐसे में क्या होगा कि व्हाट्सएप यूजर अपने व्हाट्सएप के जरिए ही चैनल को मॉडिफाई कर सकेंगे और अपने टाटा स्काई का बैलेंस जान सकेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, आपको जाना tataskai.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां पे आपको एक नंबर मिलेगा। उस नंबर पे जब आप मिस कॉल देंगे अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से, तो जो वो नंबर है वो व्हाट्सएप के ऊपर रजिस्टर हो जाएगा और व्हाट्सएप से आप कनेक्ट हो जाएंगे। और ऐसे में क्या है कि वहां पे आप जब मैसेज में रिप्लाई करेंगे, वहां पे कुछ कमांड उन्होंने बता रखी है कि वो मैसेज आपको टाइप करना है, चैनल मॉडिफाई के लिए अलग कमांड है। उसी तरीके से कुछ मैसेजेस जब आप वो रिप्लाई मतलब सेंड करेंगे, तो थोड़ी देर बाद में आपके पास में रिप्लाई आएगा और आप अपने टाटा स्काई का बैलेंस और चैनल के जो भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं वो व्हाट्सएप के जरिए ही ले पाएंगे। दोस्तों बढ़ते हैं इंग्लिश की तरफ। अगली जा रही है रेडमी की तरफ से। दोस्तों रेडमी 29 अगस्त को रेडमी नोट 8 तो लॉन्च करने वाला है ही, साथ में रेडमी ने अनाउंस कर दिया अपना एक नया LED TV। जी हाँ, 29 अगस्त को रेडमी 70 इंच का एक LED TV भी लॉन्च करेगा। 70 इंच का एक LED TV, देखना ये है कि ये LED TV कैसा होता है। हालांकि अभी तक जो रेडमी के जो TV, शाओमी के जो TV आए हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। रेडमी की तरफ से पहला TV आ रहा है, क्योंकि शाओमी और रेडमी अब अलग अलग हो चुके हैं, तो रेडमी की तरफ से पहला TV आ रहा है जो कि 70 इंच का होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे सामने एक और अपडेट निकल गया था व्हाट्सएप की तरफ से। दोस्तों व्हाट्सएप का नेम चेंज कर दिया गया है। जी, आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, व्हाट्सएप बीटा इन्फॉर्मेशन की कुछ लीक के मुताबिक व्हाट्सएप के अंदर जब आप अपने व्हाट्सएप को अपडेट करेंगे, हालांकि अपडेट अभी मिला नहीं है, लेकिन आगे चल के कुछ दिनों बाद में आपको एक अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अंदर आप अपने व्हाट्सएप को अपडेट करेंगे तो वहाँ पे टैगलाइन के अंदर लिखा हुआ मिलेगा व्हाट्सएप फ्रॉम फेसबुक, यानी कि व्हाट्सएप का नाम चेंज करके अब कर दिया गया व्हाट्सएप फ्रॉम फेसबुक, क्योंकि फेसबुक का ही व्हाट्सएप है। तो ऐसे में फेसबुक भी नज़र में आना चाहता है, लोगों को बताना चाहता है कि व्हाट्सएप जो फेसबुक का ही है, क्योंकि आधे से ज़्यादा यूजर्स को ये पता ही नहीं है कि व्हाट्सएप कौन चलाता है, कौन इसका मालिक है, किसी को इसके बारे में कोई खबर नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, आपको जो नाम है आपके लॉन्चर में तो नाम व्हाट्सएप ही दिखाएगा, लेकिन आज जब आप उसको ओपन करेंगे तो वहाँ पर बहुत जगह पर आपको टैग नज़र आएगा व्हाट्सएप फ्रॉम फेसबुक। दोस्तों बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली जा रही है नासा की तरफ से। दोस्तों नासा के एक टेलीस्कोप ने एक इमेज कैप्चर की है चंद्रमा की,
मून की इमेज कैप्चर की, लेकिन वो जो इमेज है वो थोड़ी सी मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस कैसे है वो, इसलिए आप साइड में जो स्लाइड चल रही है उसमें आप देख सकते हैं उसके अंदर जो मून नजर आ रहा है यानी कि चंद्रमा जो नजर आ रहा है वो मतलब जो सूर्य है उससे भी ज्यादा ब्राइटर नजर आ रहा है। अब ऐसा कैसे हो सकता है, और उसका जो कलर है वो भी रेड कलर का नजर आ रहा है। हालांकि नासा के मुताबिक ये मून की ही पिक्चर है, टेलीस्कोप से उन्होंने पिक्चर कैप्चर की है, लेकिन वो सूरज से भी ज्यादा चमकता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक मिस्ट्री है कि आखिर चंद्रमा सूरज से ज्यादा कैसे चमक सकता है। दोस्तों बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। अगली जारी फ्लिपकार्ट की तरफ से। दोस्तों फ्लिपकार्ट भी खुद की वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस जल्द लाने वाली है। मैं आपको बताना चाहूंगा अमेजोन प्राइम वीडियो जो है उसको बीट करने के लिए फ्लिपकार्ट भी खुद की वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च करने वाली है। अब हैरानी की बात यह है कि जो वीडियो सर्विस है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है, यानी कि फ्री के अंदर आप इसमें वीडियो देख पाएंगे। अब फ्लिपकार्ट की क्या प्लानिंग है, इसके पीछे फ्लिपकार्ट कैसे इसके ऊपर काम कर रहा है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन लीक के मुताबिक यही है कि फ्लिपकार्ट की वीडियो स्ट्रीमिंग जो होगी वो बिल्कुल फ्री होगी। अब ये सभी यूजर के लिए फ्री होगी या फिर जो फ्लिपकार्ट के प्लस यूजर उनके लिए फ्री होगी, ये तो हमें आने पर ही पता चलेगा। दोस्तों बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। पहली न्यूज आ रही है, ये लास्ट न्यूज है, ये न्यूज है प्ले स्टोर को लेकर। दोस्तों प्ले स्टोर ने क्या किया है, 85 एंड्रॉइड ऐप को अपने प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दिया है, जिनके लगभग 80 लाख से ज्यादा डाउनलोड थे। और वो जो ऐप वो इसलिए रिमूव किए क्योंकि वो जो ऐप थी वो कुछ डेट जो प्राइवेसी पॉलिसी है फ्लिपकार्ट की, कुछ जो पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन है उनको वायलेंस कर रही थी। तो इसीलिए प्ले स्टोर ने क्या किया कि उन ऐप को रिमूव कर दिया। प्ले स्टोर ये नहीं देखता कि इस ये ऐप पॉपुलर है या फिर नहीं है, इस ऐप के कितने डाउनलोड हैं, क्या फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा। प्ले स्टोर की पॉलिसी के खिलाफ अगर कोई जाता है तो उसकी ऐप को वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। और ऐसे में 85 ऐप्स को प्ले स्टोर ने रिमूव कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी जहां पे उन सारी ऐप की लिस्ट, अगर आप उन ऐप्स में से कोई भी ऐप यूज करते हैं तो उसको अपने स्मार्टफोन से अनइंस्टॉल कर दीजिए क्योंकि वो आपके डेटा चोरी कर सकती है। सो फ्रेंड्स ये थे आज की कुछ लेटेस्ट मुझे न्यूज़ और लेटेस्ट मुझे अपडेट को, मेरे बताता हूँ ये न्यूज़ और ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और अपने आपको टेक्नोलॉजी से अपडेट रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पास में बेल आइकन उसको जरा बजा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। सो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।